So guys, we have reached our destination, Tiger Camp Resort, and I'll show you. So guys, we are in Tiger Camp Resort, और ये इनकी एंट्री है यहाँ पर, आप देखिए. This is the parking. This is the reception of Tiger Camp. We have just reached. आप देखिए काफी ग्रीनरी यहाँ पे और बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है. I'll show you from here. So guys, हम लोग अपनी कॉटेज में जा रहे हैं. हमारी कॉटेज एक्चुअली एंट्री पे ही है. So this is the sitting area where you can sit and chill out. And this is the inside of my cottage. See, this is the sitting area. And bedroom area, nicely maintained. और काफी cozy है यहाँ पर. Wow, this is the changing room. Lovely. And this is the changing area plus washroom. So we have taken two cottages, one for us and one for my in-laws. So mommy, say hi to the camera. Hi. Chalo. So we are in Jim Corbett and I am going towards the river. और मैं आपको साथ में दिखाऊंगी कि ये पूरा जो resort है ये कैसे बना हुआ है. तो guys, let's start. Here you can see cottages. That is my cottage on the first floor. यहाँ पर इन्होंने बैम्बू का बहुत काम किया हुआ है cottages के अंदर. एंड यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ बैम्बूज भी आप देख सकते हैं. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल और एस्थेटिक लुक दे रहे हैं इस रिजॉर्ट में. गाइस, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है. एंड बैम्बू के यहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रीज दिखेंगे. इनफैक्ट बैम्बू इज अ श्रब. तो ये देखिए कितना ब्यूटिफुली आर्च्ड बैम्बू का श्रब है यहाँ पे. एंड आई फील लाइक आई एम गोइंग इनसाइड एलिस इन वंडरलैंड. ये देखिए. ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी कॉटेजेस हैं. पर गाइस, यहाँ पर आकर मैंने देखा कि एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की ग्रास है. इट इज वेरी डिफरेंट. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ग्रास इज दिस. आई एम सीइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो गाइज, डू यू नो कि जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से हम जानते थे. और ये 1936 में बना था एंड इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क. बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया. दिस इज द पूल एरिया.
इनकी काफी बिग प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इट्स क्वाइट लार्ज। तो ये स्ट्रेट अवे जो रूट है ये जा रहा है रिवर की तरफ, एंड दीवार के उस तरफ को इट्स अ बिग 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 ऑर्चर्ड ऑफ मैंगोज, पूरे मैंगो ट्रीज हैं यहाँ पर। एंड ये पूरा पूल एरिया है इनका। आई थिंक इट विल बी फन टू कम हियर इन समर्स ऑल्सो, क्वाइट अ बिग पूल। अभी तो विंटर्स हैं तो यू नो नेचुरली कांट गो इनसाइड द पूल। सिटी की हसल बसल से कुछ दिन से दूर आके कुछ टाइम ऐसे नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना बहुत पीसफुल लगता है, एंड इट्स रियली अ रिजुविनेशन टू द बॉडी टू द माइंड। सो गाइस आप देखिए हम लोग एक बहुत बड़े ओपन एरिया में आ गए हैं, एंड दिस इज द रिवर फ्रंट। वाव, जस्ट वाव। देखिए ये सामने जो है ये पूरा जंगल है। सो गाइज टुडे इज डे टू एंड लेट्स चेक आउट इन द रेस्टोरेंट कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल है, और ये जो मैंने रूम बुक करा है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। सो लेट्स सी, चलिए। Guys, I really love their restaurant. ये पूरा बैम्बू से बनाया है और circularly made है, और ये चारों तरफ से open है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ बैम्बू curtains लगे हुए हैं। ये restaurant के बाहर का area है, यहाँ पर आप breakfast करके chill out कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर एक बॉनफायर पॉइंट भी दिया हुआ है, तो रात में यहाँ पर बॉनफायर होती है। मैं रात में आऊंगी और वी गोइंग टू एंजॉय। तो गाइज चलिए मिलते हैं रात में। सो गाइज बॉनफायर शुरू हो गई है और देखते हैं क्या चल रहा है। सो गाइज अगर आप जिम कॉर्बेट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप टाइगर कैंप रिजॉर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा कि ये एक बहुत ही वेल मेंटेन प्रॉपर्टी है, और रूम्स भी हाइजीनिकली मेंटेन्ड है, और बहुत ग्रीनरी है इसके अंदर, और प्लस इसका रिवर फ्रंट बहुत ब्यूटिफुल है। यहाँ पर आकर एक अलग ही फीलिंग आती है। तो गाइज कल मैं जा रही हूँ जंगल सफारी, और मैंने इनकी सफारी डेस्क से ही बुकिंग कराई है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब इनके पास ही अवेलेबल है। तो अगर आपको देखना है कि जिम कॉर्बेट जंगल सफारी में अंदर से कैसे सफारी करी जाती है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर आऊंगी एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर। Bye-bye.